हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 1 एनसीईआरटी क्लास 6। अ टेल ऑफ टू वर्ड्स, टेल मतलब स्टोरी, दो पक्षियों की कहानी। ओके, अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक पक्षी मदर, पक्षी माँ और उसके दो छोटे बेबी जंगल में रहते थे। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। स्टॉर्म मतलब तूफान। एक तूफान में उनकी जो मदर थी, बर्ड मदर थी, वो मारी गई और उनके जो दोनों बेबी थे, बेबी बर्ड थे, वो एक दूसरे से अलग हो गए। सेपरेट मतलब अलग होना। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम, दोनों को अलग अलग घर मिला। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब जंगल। एक समय एक चिड़िया वो अपने दो बच्चों के साथ, अपने दो छोटे बच्चों के साथ जंगल में रहती थी। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल सैडी ट्री, और उनका जो घोंसला था वो एक बहुत ही बड़े और छायादार वृक्ष पर था। एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। और जो मदर बर्ड थी, जो माँ चिड़िया थी, जो माँ पक्षी थी, वो अपने दोनों बच्चों की टुक केयर मतलब देखभाल करती थी। डे नाइट मतलब दिन और रात, दिन रात अपने बच्चों की देखभाल किया करती थी वो। वन डे, एक दिन क्या हुआ, देयर वाज अ बिग स्टॉर्म, बहुत तेज तूफान आया। देयर वाज थंडर, बहुत तेज बादल गरजे, लाइटिंग बिजली चमकी एंड रेन बारिश हुई एंड द विंड ब्लो डाउन मैनी ट्री, और बहुत तेज हवाएं चली जिसने कि बहुत सारे पेड़ों को ब्लो डाउन मतलब गिरा दिया। द टॉल ट्री इन विच द वर्ड्स लिव्ड आल्सो केम डाउन, और वो जो टॉल ट्री था, बहुत बड़ा सा पेड़ था जिसने जो पक्षी रहते थे वो भी गिर गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड, और एक बहुत ही हैवी मतलब बड़ी सी ब्रांच, एक पेड़ की बड़ी सी डाल ने उस नेस्ट को, घोंसले को हिट किया और उसमें जो मदर बर्ड थी, माँ चिड़िया थी, वो मारी गई। फॉर्चुनेटली मतलब भाग्य से, फॉर द बेबी बर्ड्स, जो छोटे बच्चे थे, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो देम अवे टू द अदर साइड ऑफ फॉरेस्ट, और भाग्य से जो दोनों बेबी थे उनको तेज हवाओं ने बहाकर जंगल के दूसरी तरफ पहुंचा दिया। वन ऑफ देम केम डाउन नियर द कैप, उनमें से एक जो था वो गुफा के बाहर पहुंच गया, गुफा के पास पहुंच गया। वेयर अ गैंग ऑफ रोवर्स लिव्ड, जहां पे डाकुओं का ग्रुप रहता था। द अदर हैंडेड, और दूसरी तरफ आउटसाइड द ऋषिज आश्रम, दूसरी तरफ पास में ही ऋषि का आश्रम था, लिटिल डिस्टेंस अभी थोड़ी ही दूर पर, दूसरा पक्षी जो था वो वहां पहुंच गया। वन डेज पास्ट, दिन गुजरने लगे, दिन गुजरते गए, एंड बेबी बर्ड्स बिकम बिग बर्ड्स, जो बेबी बच्चे जो पक्षी थे वो अब बड़े हो गए। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, एक दिन जो वहाँ देश का राजा था वो जंगल, फॉरेस्ट मतलब जंगल में, हंट मतलब शिकार की तलाश में गया था। ही सो अ डियर, उसने एक हिरन को देखा, डियर मतलब हिरन, एंड रोड आफ्टर इट, और उसने उसका पीछा किया। राइड मतलब राइड का सेकंड फॉर्म रोड होता है। इट रन डीप इनटू द फॉरेस्ट, इट मतलब, इट मतलब डियर के लिए यूज हुआ है यहाँ पे। जो डियर था वो घने जंगल में चला गया, फॉलोड बाय द किंग, ऑफ किंग उसका पीछा करते करते वो भी जंगल में चला गया। सून, जल्दी ही द किंग लॉस्ट हिज वे, किंग जो अपना रास्ता भूल गया। डिडेंट नो
Where he was, उसको नहीं समझ में आ रहा था वो कहाँ पहुंच गया है. He rode on for a long time, बहुत देर तक चलने के बाद, till he came to the other side of forest, वो जंगल के दूसरी तरफ पहुंच गया. Very tired from now, अब तक वो बहुत थक चुका था. He got off his horse and sat down under a tree, और वो अपने घोड़े से उतरा और एक पेड़ के नीचे बैठ गया. That stood near a cave, जो कि cave मतलब जो गुफा के पास थी. Suddenly he heard, तभी अचानक उसने he heard a voice cry out, तभी उसने एक आवाज सुनी. Quick, hurry up, जल्दी करो, hurry up. There's someone under the tree, कोई ट्री के नीचे है. Come and take his jewels and his horse, जल्दी से करो और उसका घोड़ा और उसकी ज्वेलरी उसके गहने ले लो. हरी अब जल्दी करो. और इससे पहले कि he will slip away, से पहले कि वो निकल जाए वो चला जाए. द किंग वाज अमेज्ड, किंग को बहुत आश्चर्य हुआ. He looked up, उसने देखा. एंड सो अ बिग ब्राउन बर्ड, उसने बहुत बड़े पक्षी को देखा. ऑन द ट्री, ट्री के ऊपर. अंडर विच ही वॉज सिटिंग, जहाँ पर वो बैठा था. ही आल्सो हियर्ड, उसने सुना. फेंट नॉइज इशूइंग फ्रॉम अ कैव, फेंट मतलब धीमी धीमी आवाज, भिनी भिनी आवाज जो क्लियर आवाज नहीं थी, ऐसी आवाज को उसने कैव मतलब गुफा से आते हुए सुना. ही क्विकली गोट, वो जल्दी से उठा. ऑन टू हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े पर बैठा. एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, जितनी जल्दी हो सका वो वहां से निकल गया. सेकेंड पार्ट है इसका. द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन, किंग को बहुत आश्चर्य हुआ जब उसने सेम आवाज को दोबारा सुना. ही केम टू नो द वर्ड्स ट्रू स्टोरी, फिर उसने दोनों जो वर्ड्स थे जो चिड़िया थी पक्षी थे उनकी सच्ची कहानी को जाना. ही मेड द ऋषि, वो एक ऋषि से मिला. हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच वर्ड, जो जिसने राजा को दोनों वर्ड्स के बिहेवियर को बताया. सून जल्दी ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, जल्दी ही वो एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहाँ पे पेड़ पौधे कम थे और वो ऋषि के आश्रम की तरह दिख रहा था. ही इट वॉज द ऋषि आश्रम, वो ऋषि का ही आश्रम था. द किंग टाइड द किंग टाइड ही टाइड मतलब बांध देना. द किंग टाइड हिज हॉर्स टू द ट्री, जो किंग था राजा था उसने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया. एंड सेट डाउन इन इट्स शेड, और वो पेड़ की छाया में बैठ गया. सडनली तभी अचानक ही हियर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, तभी उसने एक सॉफ्ट वॉइस सॉफ्ट आवाज सुनी जो कि बोला था वेलकम टू द आश्रम, आपका आश्रम में स्वागत है सर. प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, प्लीज आप अंदर जाइए और आराम करिए. द ऋषि विल कम बैक सून, जो ऋषि हैं वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे. देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, और बर्तन में कुछ ठंडा पानी रखा हुआ है. प्लीज मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, प्लीज आप कृपया आप आराम से रहिए, अपने आप को आराम से महसूस करिए. द किंग लुक्ड अप एंड सो अ बिग, जो किंग था जो राजा था उसने देखा. एंड सो अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, पेड़ के ऊपर उसने बहुत बड़ा से एक ब्राउन पक्षी को देखा. ही वॉज अमेज्ड, उसे बहुत आश्चर्य हुआ. दिस वन लुक लाइक द अदर वर्ड आउटसाइड द कैब, उसने सोचा कि उसने ये तो वैसे ही पक्षी है जैसा कि उसने गुफा के बाहर देखा था. ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, उसने अपने आप से कहा तेजी से. यू आर राइट सर, आंसर द वर्ड, वो जो पक्षी था उसने आंसर किया. सर आप बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है. बट ही हैज मेड फ्रेंड विद रोवर्स, लेकिन उसने डाकुओं को अपना दोस्त बनाया है. ही नाउ टॉक एज दे डू, वो वैसे ही बोलता है जैसे कि वो लोग बोलते हैं. ही डोंट टॉक टू मी एनी मोर, वो मेरी तरह नहीं बोलता है. जस्ट देम द ऋषि इंटर्न, वेलकम सर, ही
said to the king. उन्होंने king से कहा कि welcome sir, please come inside and make yourself at home. Please आप अंदर आइए और अपना ये घर महसूस करिए इसे. You look tired, आप बहुत थके हुए दिख रहे हैं. Rest for a while, कुछ समय आप आराम करिए, विश्राम करिए. Then you can share my food, फिर आप भोजन करिए. The king told the rishi the story of two words and how each had behaved so differently though they looked so alike. ऋषि ने दोनों पक्षियों की कहानी राजा ने जो था वो ऋषि ने ऋषि को दोनों पक्षियों की कहानी बताई और उसने कहा कि ये दोनों पक्षी जो कि सो अलाइक मतलब जो कि बहुत ही एक जैसे दिखते हैं लेकिन उनका यद्यपि तब भी उनका बिहेवियर उनका जो व्यवहार है वो कितना अलग है. द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज, उन्होंने कहा जो फॉरेस्ट है जंगल है पूरा वो सरप्राइज मतलब आश्चर्य से भरा है. ही सेड, उन्होंने बोला. द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, जो पवित्र आत्मा थी जो ऋषि थे उन्होंने स्माइल किया मुस्कुराए और बोले आफ्टर ऑल आखिरकार वन इज नोन बाय कंपनी वन कीप्स, आखिर व्यक्ति अपनी संगत से ही जाना जाता है. दैट वर्ड हैज ऑलवेज हियर्ड द टॉक ऑफ रोवर्स, वो जो वर्ड है वो जो चिड़िया है वो जो पक्षी है वो हमेशा ही डाकों की आवाज को सुनता है. ही इमिटेट्स, इमिटेट्स कहते हैं नकल करना कॉपी करना. इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रोवरिंग पीपल, और वो हमेशा ही उनकी आवाज़ को डाकों की आवाज़ कॉपी करता है और वो लूटपाट की बात करता है. दिस वन, और यहाँ पर हैज रिपीटेड दैट ही हैड ऑलवेज हियर्ड, यहाँ पे वो आवाज़ रिपीट ये पक्षी है उस आवाज़ को रिपीट करता है जो कि वो सुनता है. ही वेलकम पीपल टू द आश्रम, वो बोलता है कि आपका आश्रम में स्वागत है. नाउ अब कम इनसाइड एंड रेस्ट, प्लीज आप अंदर आइए और आराम कीजिए. आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड, और मैं आपको इस स्थान के बारे में और इन पक्षियों के बारे में और भी जानकारी दूंगा.